प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से शांत मध्य प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर मस्जिदों के सामने उत्तेजित नारे लगाए जा रहे हैं जिससे कि माहौल को खराब किया जा सके। यह बात इंदौर उज्जैन की घटना पर बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस के सचिव आदिल सिद्दीकी ने कही। उन्होंने कहा कि जो चंदे के लिए यात्रा निकाली जा रही है उसमें सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है तथा समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को आगे बढ़ाने पर भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नगरीय निकाय चुनाव पूरी तरह से हार रही थी, इसलिए चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। आदिल सिद्दीकी, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इंदौर उज्जैन जो मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने सुनने को मिल रहा है कि समुदाय विशेष को टारगेट करा जा रहा है, चंदा हो रहा है किसी समाज के लिए, और उस चंदे के बहाने प्रदेश में एक ध्रुवीकरण की राजनीति करी जा रही है। जानबूझ के मुसलमानों की मस्जिद के सामने उत्तेजनापूर्ण नारे लगाए जाते हैं जिससे माहौल ख़राब हो रहा है प्रदेश का, और ये सोची समझी राजनीति मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है जिसको ख़राब करा जा रहा है इस माहौल को। इसके पीछे राजनीति है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई है, खरीदी हुई सरकार से, इनका ये उद्देश्य हो गया है कि इस तरीके से हिंदू मुसलमान में इतनी खाई बांट दो, और यही उनका हथियार है हमेशा चुनाव जीतने का। विकास के नाम पे तो फेल होगा इन टोटल, तो उनका ध्यान मोड़ने की राजनीति है कि लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा दो। और जिस तरह से मस्जिदों पे चढ़ना, पुलिस प्रशासन के लोग सामने खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके बाद भी उपद्रवी लोग मस्जिदों के मीनारों पे चढ़ रहे हैं, मतलब ये एक सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है, और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की छवि बहुत ख़राब हो रही है। नगरी चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि हम चुनाव में सफल नहीं होंगे, और कोरोना का बहाना बना लिया उन्होंने, क्योंकि इसकी वजह बन रही है सबसे बड़ी, एक देश में सबसे बड़ा आंदोलन इतिहास के बाद कोई आंदोलन चला है, किसानों का आंदोलन, किसानों का जो मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, उससे ध्यान बोलने के लिए, उससे हार का इन्हें अंदाज़ा था कि हम जगह जगह किसान, हर शहर में किसान है, चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, हिंदुस्तान का 80% आदमी खेती से जुड़ा हुआ है। तो अन्नदाता के लिए पक्ष में जो आंदोलन चल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, जिसकी वजह से उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव को बढ़ाया और कोरोना को आड़ बनाया। कोरोना क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है, वहाँ रैली कर रही भारतीय जनता पार्टी, रैली निकाल रही है, चुनाव कर रही है, और चंदे के नाम पे जगह जगह रैली निकल रही है। यहाँ कोरोना नहीं है, खाली चुनाव में कोरोना आ गया। कोरोना का भय दिखा के नगरीय निकाय चुनाव, किसान आंदोलन के डर के मारे भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तिथि बढ़ाई है, और इसकी कोई वजह नहीं है, और इन्हें मालूम है कि नगरीय निकाय चुनाव हम हार रहे थे, इस वजह से उन्होंने चुनाव को टाल दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।